क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 स्क्वायर मीटर। अब हमें जो टाइल का साइज दिया वो है पैरेललोग्राम शेप में टाइल है, उसका साइज क्या दिया है, बेस दिया है 24 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम शेप टाइल 24 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ए टाइल 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए टाइल क्या हुआ। अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट यानी 24 × 10, तो कितना आ गया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें पूछा ये टाइलें उस फ्लोर में कितनी लगेंगे जिसका एरिया दिया 1080 स्क्वायर मीटर। तो एरिया फ्लोर हमें गिवन दिया 1080 स्क्वायर मीटर, टाइल का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में है, फ्लोर का एरिया स्क्वायर मीटर में है, इसलिए हम कन्वर्ट दोनों को यहाँ तो स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे दोनों को, यहाँ दोनों का एरिया स्क्वायर मीटर में लिखेंगे। तो मैंने स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 100 × 100, तो 1080 स्क्वायर मीटर इक्वल टू आ गया 1080 × 100 × 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर, उस फ्लोर को कवर करने में कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी हमें पड़ती है, तो एरिया फ्लोर टोटल एरिया ऊपर और एरिया ऑफ टाइल नीचे, तो एरिया ऑफ जो फ्लोर आएगा वो 1080 × 100 × 100, ठीक है, ये एरिया फ्लोर है और ये एरिया ऑफ टाइल 240, तो एरिया फ्लोर है 1080 × 100 × 100/240 यानी एरिया ऑफ टाइल। तो अब मैंने कैसे कैंसिल किया हुआ है, तो ये 0 0 कैंसिल, 12 9 12 2 12 9 12 2, फिर 2 1 2 50, अब 9 × 50 × 100 ये आ गया आपका 45,000 यानी 45,000 टाइल्स लगेंगी उस फ्लोर को कवर करने में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक एंड एंड इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंड हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 3 फूड पीसेस है, एक ये पीस दिया हुआ है, दूसरा इस शेप में है, तीसरा इस शेप में है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो चींटी है वो किस फुट पीस पे कवर करेगी। तो पहले हमने सबका क्या निकालना है, एरिया ये कितना, सॉरी सरकमफेरेंस बाउंड्री उसकी जो है कितना कितना वो पाथ कवर करेगी हर एक पीस में, तो लॉन्गर किस में होगा लगाएगी वो, तो डायमीटर ऑफ इस पहले फर्स्ट पार्ट डायमीटर ऑफ इस सेमी सर्कल ये आपको गिवन दिया 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस हमेशा डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो पाथ कवर्ड बाई जो चींटी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी फर्स्ट पीस में, तो फर्स्ट पीस ये है, ये ऐसे ऐसे, तो एक 2.8 करेगी और सेमी सर्कल की लेंथ करेगी, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है पाई आर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो पाथ कवर्ड बाय एंड कितना आएगा पाई आर यानी सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल का प्लस 2.8 जो नीचे वाली लेंथ है उसका डायमीटर है, तो 22/7 × रेडियस 1.4 प्लस 2.8 7 × 0.2 आ गया 1.4 प्लस 2.8 सेम, तो 22 × 0.2 आ गया 4.4 प्लस 2.8 दोनों को ऐड करके आएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो पहले पीस में वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 7.2 सेंटीमीटर। अब सेकंड पीस हमारा ये है, इसमें हमें 2.8 दिया है जो सेमी सर्कल का डायमीटर, तो रेडियस सेम, इसकी लेंथ सेम मेथड से निकलेगी जो पहले निकाली। अब 1.5 ये है, 1.5 ये कितनी बार 1.5 लेंगे 2 टाइम्स, और ये लेंथ जो है ये कितनी है 2.8 यानी ऐसे उसने डिस्टेंस कवर करना है, ऐसे 2 बार ये विड्थ आएगी, 1 बार ये लेंथ आएगी और 1 बार सेमी सर्कल आएगा। तो कैसे फाइंड किया, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2.8, तो रेडियस सेम वैसे ही 2.8 का हाफ किया 1.4 सेंटीमीटर, तो पाथ कवर्ड बाई एंड, तो चिंटी यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2.8 ऊपर वाली लेंथ, 2 × 1.5 1.2 टाइम्स था उस सेमी सर्कल की लेंथ, ये बताया मैंने सेमी सर्कल की लेंथ, तो पाई आर 2.8 ऐसे ही 2 × 1.5 आएगा 3 प्लस पाई आर यानी 22/7 × 1.4 7 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 2 यानी 0.2 जा, तो 2.8 प्लस 3 22 2 आ गया 4.4, इन तीनों को ऐड करेंगे जब 2.8 प्लस 3 प्लस 4.4 इसको आएगा 10.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट में आया 7.2, सेकंड में आया 10.2, अब थर्ड पीस है शेप में 2.2 सॉरी 2 और 2 टाइम्स है और सेमी सर्कल है,
सेमी सर्कल की लेंथ अभी फाइंड की हमने, पहले भी 4.4 आई फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और 2 और 2 ऐड करेंगे। तो क्या लिखा है सी पार्ट में, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल सेम 2.8, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो पाथ कवर्ड बाय एंड, यहाँ पे चींटी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 + 2 + सेमी सर्कल यानी पाई आर। तो ये आ गया 4 2 + 2 4 + पाई यानी 22/7 इंटू 1.4 7 इंटू 0.2 4 + 22 2 = 4.4। तो 4 + 4.4 यानी 4 + 4.4 कितना आ गया 8.4। पहले पीस में कवर किया 7.2, दूसरे में किया 10.2, तीसरे में किया 8.4। तो देयरफॉर एंट हैज टू कवर द लॉन्गर पाथ इन द सेकंड केस, यानी जो चींटी है वो दूसरे केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अब एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा बता दूं। ट्रेपेजियम क्या होता है, वो फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल लेकिन एक पेयर। जैसे मैंने ये फिगर ली ए बी सी डी, इसमें क्या होगा एक पेयर क्या होगा पैरेलल, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। और इसका अगर एरिया फाइंड करना हो, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को हम डिनोट करते हैं B1 और B2 से, तो हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H यानी हाइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अब ये फिगर हमें गिवन दी है, जो पैरेलल साइडें हैं वो 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी ए बी और सी डी ये पैरेलल साइड है, और जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 0.8 मीटर। इस का हमने क्या निकालना है एरिया। तो हमें गिवन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अगर 1 और 1.2 मीटर है, इसका मतलब ए बी हमने जो ली है वो कितनी ली है 1.2 मीटर, और सी डी कितनी ली है 1 मीटर। ए बी यानी बी 1 एक पैरेलल साइड 1.2 मीटर है, सी डी यानी बी 2 यानी अदर पैरेलल साइड वो 1 मीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड्स वो कितना है 0.8 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है, जिसको हमने डिनोट किया एच से, हाइट हम एच ही लेते हैं हमेशा। अब एरिया फाइंड करना, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यानी हाफ इंटू बी 1 प्लस बी 2 इंटू एच, बी 1 और बी 2 क्या है पैरेलल साइड्स का सम, तो हाफ इंटू बी 1 हमने लिया 1.2 और बी 2 लिया 1, बी 1 यानी ए बी, बी 2 यानी सी डी, तो 1.2 प्लस 1 आ गया ब्रैकेट में इंटू हाइट यानी 0.8। अब 1.2 इंटू 1.2 और 1 प्लस करके क्या आया 2.2, 2 से इसको कैंसिल किया 2 इंटू 1.1, तो 1.1 इंटू 0.8 आएगा 0.88 स्क्वायर मीटर। तो देयरफॉर लास्ट में लिखना है एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल, क्योंकि जो ट्रेपेजियम शेप में वो क्या है टेबल का टॉप सरफेस है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इक्वल टू 0.88 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन दिया है, पहले मैं वो बता दूं आपको, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, जो ट्रेपेजियम है उसकी एक पैरेलल साइड हमें गिवन दी है B1, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम B2 यानी जो हमने फाइंड करनी है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, और हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड वो हमें गिवन दी है हाइट यानी h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है अदर पैरेलल साइड, तो उससे पहले हमें एरिया भी गिवन दिया है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम वो दिया 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया कई बार कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, ऊपर भी बताया मैंने, हाफ इंटू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 यानी पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट इक्वल टू आ गया 34, तो हाफ इंटू B1 क्या है 10, B2 क्या है फाइंड करना है इंटू H क्या है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 34, तो 10 प्लस B2 हमने रखा लेफ्ट साइड ही, ये 2 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, आप 2 × 4 इधर भी कैंसिल कर सकते हो, फिर 34/2 तो अभी 17 आएगा। अब मैंने 2 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिया है और मल्टीप्लाई 4 को डिवाइड में लिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है। अब कैसे कैंसिल किया, 2 1 2 2 फिर 2 1 2 17,
तो इधर क्या बचा, सिर्फ 17, यानी 10 प्लस B2 इक्वल टू 17, तो B2 क्या आएगा, 17 माइनस 10, यानी B2 क्या आया, 7 सेंटीमीटर, मतलब अदर पैरेलल साइड की लेंथ। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, यानी B2। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, थर्ड, ये आपने खुद सॉल्व करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये आपको फिगर भी दी हुई है साइड में, इस तरह की फिगर है, ये ट्रेपेजियम है, इसका नाम है ABCD, ABCD, इसमें आपको लेंथ किस किस की दी हुई है, पूरी लेंथ जो है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसकी लेंथ टोटल हमें दी हुई है कितनी, टोटल लेंथ है 120 मीटर, चारों साइडों की लेंथ है 120 मीटर। उसके बाद हमें गिवन दिया हुआ है BC 48 है, ये 48, उसके बाद गिवन दिया हमें CD 17 और AD भी गिवन है 40। तो हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, AB की लेंथ, यहां से क्या फाइंड करेंगे, AB, जब AB हमारी फाइंड हो जाएगी, AB यानी हाइट, जब आप AB फाइंड करोगे ब्रैकेट में लिख लेना H इक्वल टू जितनी भी आएगी, ठीक है, AB की वैल्यू जब भी आप फाइंड करोगे ये मेरे ख्याल में आएगी 15, फिर भी आप चेक कर लेना सही है या गलत है, ठीक है, AB की वैल्यू जैसे मैंने माना 15 आई। अब उसके बाद क्या है, पैरेलल साइड है BC और AD है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप फाइंड कर सकते हो हाफ इंटू BC प्लस AD इंटू AB, तो BC और AD की वैल्यू पुट कर देना और AB की आपने फाइंड की होगी वो भी पुट कर देना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ABCD ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड खुद करना है।